हे गाइस, वेलकम बैक टू कंसेंट्रेशन सेंटर। सो गाइस, अभी तक के हम लोगों ने केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़े, है ना गाइस, जहां पे हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट करने की कोशिश की। सो गाइस, आज एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले, यहां से गाइस हम लोग एक नए पड़ाव की तरफ आगे बढ़ने वाले, क्योंकि आज से गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करने वाले गाइस? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे लगता है कि जो मैं चीज आज स्टार्ट करने वाला हूं, इसके बारे में आप लोग जानते हो, लेकिन गाइस थोड़ा सा अब रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि अब जो हम लोगों ने 10th क्लास तक के पढ़े ना गाइस, जो 10th क्लास तक के जितना भी सिलेबस हम लोगों ने पढ़े ना, वो तो हमारे लिए सिर्फ बेसिक था, लेकिन ये बेसिक एक्चुअली किस तरह से एक दूसरे में मिला हुआ है, ये चीज गाइस हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करने वाले। कौन सा क्वेश्चन गाइस? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइस मैक्सिमम टाइम हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पे हम लोग कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो गाइस जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग शुरुआत करने वाले, उसका फर्स्ट इनिशियल जो हमारा टॉपिक है, दैट इज व्हाट, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो गाइस, लेकिन ये एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन एक्चुअली क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एक्चुअली क्या है? गाइस दीज आर नथिंग बट हाइड्रोकार्बन, दीज आर नथिंग बट हाइड्रोकार्बन। सर हाइड्रोकार्बन क्या है? गाइस हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, दैट इज व्हाट, द कंपाउंड्स विच इज फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते गए, उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज व्हाट, आज जो हम लोग पढ़ने वाले, आज के टॉपिक में हम लोग दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले गाइस। क्या पढ़ने वाले? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो गाइस अब मुझे लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट जो लेक्चर चलने वाला गाइस, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करने वाला गाइस। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है गाइस? ऐसे कंपाउंड जो किससे बनते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनते हैं। किससे बनते हैं गाइस? कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनते हैं। द कंपाउंड्स व्हिच इज फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ओके गाइस, तो चलिए हम पढ़ने वाले आज के लेक्चर में, दैट इज व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ने वाले गाइस? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो गाइस जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, क्या गाइस? हाइड्रोकार्बन। इस चार्ट को बहुत अच्छे से, हाइड्रोकार्बन इस चार्ट को, इस ट्री डायग्राम को बहुत बहुत अच्छे से अपने फर्स्ट पेज ऑफ रजिस्टर के ऊपर बना लीजिए गाइस, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही से शुरुआत होती है गाइस, यही से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। और जिन बच्चों को ये नहीं आता ना गाइस, उन बच्चों को समझ लीजिए कि सामने में उनको कुछ नहीं आने वाला। फिर 12वीं कक्षा में बोलते सर हमारे को कुछ नहीं आ रहा, हमारे को कुछ नहीं आ रहा, हमारे, अरे भाई कैसे आएंगे बाबा, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उस चीज की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते, उस चीज को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते नहीं है, उस चीज को हम लोग बहुत ही अच्छे से लिख के नहीं रखते। तो गाइस आज की वीडियो में जो चीज मैं बताऊंगा ना, वो एक एक चीज आप लोगों को नोट डाउन करके रखनी है। ओके, हाइड्रोकार्बन। तो गाइस हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन मतलब अभी मैंने बताया, दोस कंपाउंड व्हिच आर फॉर्मड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। तो गाइस हाइड्रोकार्बन का अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, हाइड्रोकार्बन आर मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। हाइड्रोकार्बन आर मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज योर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है गाइस? फर्स्ट वन इज योर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। सेकंड होता है तुम्हारा एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एंड गाइस थर्ड होता है तुम्हारा, दैट इज व्हाट, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहा गाइस? मैंने क्या कहा? हाइड्रोकार्बन मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज योर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, सेकंड वन इज योर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, थर्ड वन इज योर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सो सर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं गाइस? सो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते गाइस जो ओपन चेन बनाते हैं। क्या बनाते गाइस? ओपन चेन बनाते हैं। ओके, दैट इज व्हाट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ओके गाइस, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जो क्या बनाते गाइस? ओपन चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओपन चेन। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ये जो आज का वीडियो है ना, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करें गाइस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हम लोग गाइस उन्हें कहेंगे जो ओपन चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस? ओपन चेन। द कंपाउंड्स, द कंपाउंड विद फॉर्म, which form open chain, open chain, जो open chain बनाते हैं। अब जैसे कि example के तौर पे हम लोग बात करेंगे, जैसे मान के चलिए ये वाली construct करते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3।
ये कोई तो भी कंपाउंड कौन सा है हमें नहीं पता, हमें कोई लेन देन नहीं है कौन सा कंपाउंड है, नाम से लेन देन नहीं है गैस, नाम से लेन देन नहीं है, बस मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब गैस स्ट्रक्चर कैसे बनाया है ये अगर कोई पूछता है तो आप लोगों को 10वीं क्लास फिर से एक बार पढ़ के आना चाहिए गैस, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है आपको 10वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, इस हिसाब से कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कार्बन यहाँ पे क्या लिखा है CH3, क्यों यहाँ पे CH3 लिखा है, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया इसका मतलब इसके 3 वैलेंसी कंप्लीट होने थे, इसी वजह से यहाँ पे कितने कार्बन हाइड्रोजन लगे गए 3, बिकॉज एक हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बना तो कुछ इस तरह से होता है, कार्बन हाइड्रोजन 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 डैट ये वाला है सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन डैश सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन डैश सी हाइड्रोजन 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 है ना गैस, बस इतना है हमें पता है। कोई भी स्ट्रक्चर बनाते रहे हम लोग इतना ध्यान में रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए गैस, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होना ही चाहिए, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होना ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोला गया कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। इसी हिसाब से कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई भी कंपाउंड बनाएंगे, कोई भी चेन बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो हम लोग सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि वहां पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए गैस। ओके तो देखिए ये जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया किसका है क्या है किस तरह से है कुछ भी लेन देन नहीं, हमें उस चीज को समझने की जरूरत नहीं, बस हमें समझना है कि हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है गाइस, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा, तो इसका मतलब एक हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है हाइड्रोकार्बन है। तो मुझे बताइए ये जो हाइड्रोकार्बन है गाइस यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो चेन दिख रही है, जो चेन दिख रही है चेन क्या आप लोग क्लोज चेन दिख रही है गाइस, ये ओपन चेन ना, इधर से भी ओपन है इधर से भी ओपन है। अरे भाई सोचो जैसे हमारी साइकिल होती है, साइकिल को चेन होती है, साइकिल क्या होती है चेन होती है ना, चेन कैसे होती है जुड़ी हुई होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लोज चेन, लेकिन चेन को ऐसे तोड़ दो तो क्या बन जाएंगे ओपन चेन, जहां पे एक दूसरे से वो लोग जुड़े तो होते हैं लेकिन वो कैसे होती है ओपन चेन है ना। ओपन चेन का मतलब क्या होता है जहां पे एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से कभी भी मिल नहीं सकता, ओपन चेन का मतलब जहां पे एक साइड दूसरे साइड से कभी भी नहीं मिल सकती, किसी भी तरह से किसी भी एंगल से नहीं मिल सकती गैस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओपन चेन बोलते हैं। इट मीन दैट कि ये जो कंपाउंड है कौन सा कंपाउंड है क्या है कोई लेन देन नहीं, कोई लेन देन नहीं गैस, ओके कोई लेन देन नहीं, बस मुझे इतना पता है कि ये क्या गैस ओपन चेन है, ओपन चेन बना रही इस कंपाउंड ने ओपन चेन बनाया, इसका मतलब ये क्या गैस मेरा एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, मेरा एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, दैट्स इट, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है ऐसा कंपाउंड जो ओपन चेन बनाता है, क्या बनाता है गाइस ओपन चेन बनाता है, कौन सा है क्या है किस तरह से कोई लेन देन नहीं। जैसे तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये क्या है मेरा एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ना। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए ओके ये सब आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, वैसे डोंट वरी ये सब आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ये तो बेसिक आज का पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो ये आप लोगों को बस ऑलरेडी थोड़ा सा पता है इसी बेसिस के ऊपर बताया जाता है। ओके गाइस जैसे मान के चलिए ये एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, दैट इज व्हाट CH3 डैश CH डैश CH3 ओके डैश CH2 डैश CH3 ये एक स्ट्रक्चर है, कौन सा है क्या है किस तरह से बनाया गया कोई लेन देन, इस कंपाउंड का नाम क्या क्या है कोई लेन देन नहीं गाइस, बट मुझे सिर्फ बताया कि क्या ये कंपाउंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है या नहीं, बस इतना आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए क्या ये हमारा कंपाउंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। यस गाइस ये भी कंपाउंड हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्यों भाई डायरेक्टली दिख रहा है कोई भी कॉर्नर कोई भी साइड किसी भी दूसरे साइड से मिल रही है क्या नहीं, ये उसका एक साइड हो गया ये उसका दूसरा साइड हो गया, ये उसकी एक साइड हो गई ये दूसरी साइड हो गई, कोई भी साइड किसी भी साइड को मिल रही है क्या नहीं मिल रही, इसका मतलब ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर इसका मतलब ओपन चेन बना रहा है, ओपन चेन बना रहा है मतलब ये भी जो भी कंपाउंड होगा लेकिन मैं जानता हूँ कि ये भी कंपाउंड क्या है मेरा एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये भी मेरा क्या है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं जो ओपन चेन बनाते हैं, क्या बनाते गाइस ओपन चेन बनाते हैं। इतना समझा के गाइस जल्दी बताइए, तो मैंने दो एग्जांपल बताया, ये दोनों के दोनों एग्जांपल इस में लिख दीजिएगा, इसके एग्जांपल में लिख दीजिएगा, ओके एग्जांपल में क्या लिख दीजिएगा इस एग्जांपल में, मैंने दो एग्जांपल बताया था, ये मान के लिए पहला ये दूसरा था, दैट्स व्हाट CH3 कुछ भी बना सकते हो आप अपने हिसाब से बना सकते हो गाइस, ये खेल है, ये सीख जाओगे आप सीख जाओगे चुटकी भर में सीख जाओगे गाइस, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, ऐसे बाया हाथ का खेल है गाइस, पूरे बाया हाथ का खेल है, मजा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, देखिए आप सीख जाओगे मेरे से, बस इतना ध्यान रखिए जो जो मैं पढ़ाता हूँ ना पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, आई गारंटेड आप लोगों को कोई बंदा नहीं रोक सकता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चुटकी में मार्क लेने के लिए, बस इतना ध्यान में रखिए आपका कॉन्सेंट्रेशन और आप किस इंटरेस्ट से उस चीज को पढ़ रहे हो गाइस। तो एलिफेटिक देखिए हाइड्रोकार्बन तीन पार्ट में क्लासिफाई होता है, एक
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तीसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है गाइस, जिस जो ओपन स्ट्रक्चर बनाता है या ओपन चेन बनाता है, क्या बनाता है गाइस, ओपन चेन कंटेन करता है या ओपन स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द कंपाउंड व्हिच फॉर्म ओपन चेन, ऐसा कंपाउंड जो ओपन चेन बनाता है गाइस, उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका हम लोग दो एग्जांपल भी देखे। ओके गाइस, कोई डाउट है, आगे बढ़े, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है हमारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्या हमारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन गाइस, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है इसका, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम लोग आज आधा पढ़ेंगे, आधा हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन गाइस जितना आज हम लोग पढ़ेंगे ना, पूरे ईमानदारी के साथ, बहुत इंटरेस्ट के साथ और बहुत मजे ले लेके पढ़ेंगे इसको आज हम लोग। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे कहते गाइस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन गाइस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो क्लोज चेन बनाते हैं, क्या बनाते गाइस, क्लोज चेन बनाते हैं, बट इसमें कंडीशन होती है, हर कार्बन एटम सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते गाइस, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड क्लोज चेन इन विच द कंपाउंड विच इज फॉर्म क्लोज चेन इन विच एवरी कार्बन एटम कंटेन only hydrogen atom। क्या बोला गाइस, aromatic hydrocarbon का मतलब ऐसे compound जो close chain बनाते हैं, जो क्या बनाते गाइस, close chain बनाते हैं, but उसमें हर एक carbon atom सिर्फ एक ही hydrogen atom से connected होगा, जैसे कि C6H6 benzene ही गाइस aromatic compound है। इसका structure देखिए, जैसे ये carbon है, कितने carbon है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, दिख नहीं रहा क्या, चलो मैं थोड़ा सा उधर साइड में बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ओके, फिर बाद में उसको इरेज कर दूंगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन 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 कार्बन। अब देखिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, बेंजीन में क्या है, C6H6। इसका मतलब यहाँ पे 6 ही कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब हर कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखिए इसकी वैलेंसी कंप्लीट करना है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो देखिए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब इसके 3 बॉन्ड बनाए, तो चलो यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, इसकी कितनी वैलेंसी हो गई, 3 ही वैलेंसी हो गई, हाँ ना, उसका मतलब यहाँ पे मुझे एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ओके, तो 1, 2, 3, 4, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इस कार्बन के ऊपर आ जाए, 1, 2, 3, तो यहाँ पे बनाएगा सिंगल बॉन्ड, हाँ ना। अब इस कार्बन के देखिए, 1, 2 ही हो गए और 2 बचे, तो यहाँ पे लगा दीजिए डबल बॉन्ड। अब देखिए, 1, 2, 3, 4, हाँ। अब इस कार्बन का देखिए, 1, 2, 3, तो एक की जरूरत है, तो हो गया 4। अब देखिए इस कार्बन का, 1, 2, तो दो की जरूरत है, तो यहाँ पे लगा दीजिए डबल बॉन्ड, हाँ ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या दिखता है गाइस, एवरी इंडिविजुअल कार्बन आइटम जो अपने कंसेक्यूटिव कार्बन आइटम से कनेक्टेड होता है, उसके बीच में क्या होता है गाइस, डबल बॉन्ड होता है। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे नहीं रहेगा गाइस। इज दैट क्लियर गाइस, क्योंकि वो वैलेंसी के हिसाब से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये स्ट्रक्चर कैसे आया गाइस, बेंजीन, और बेंजीन क्या है गाइस, एक हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कार्बन एटम ओपन है क्या, नहीं, हर कार्बन एटम दूसरे से क्लोज है। इसका मतलब इसने क्या बनाया, बेटा क्लोज चेन बनाया, क्या बनाया गाइस, क्लोज चेन। लेकिन ये एरोमेटिक कब कहलाएगा, जब हर कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन एटम कंटेन करेगा, ओनली एक हाइड्रोजन एटम कंटेन करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हमारा क्लोज चेन बनाते हैं और हर कार्बन एटम सिर्फ एक ही कार्बन हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इज दैट क्लियर, एग्जांपल के तौर पे क्या है हमारा गाइस, बेंजीन, एग्जांपल के तौर पे क्या है हमारा, बेंजीन। तो ये एग्जांपल में डाल दीजिए और उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए गाइस। ओके, स्क्रीनशॉट लेते जाइए गाइस, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्या है गाइस हमारा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्या है हमारा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं गाइस, ध्यान दीजिए, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं गाइस, दैट इज The compound which formed close chain in which each carbon atom contain two hydrogen atom. Alicyclic hydrocarbon किसे कहते हैं, that is ऐसे compound जो ये भी क्लोज चेन बनाते हैं, ये भी क्लोज चेन बनाते हैं, बट द कंडीशन इज दैट यहां पे हर कार्बन एटम एक हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है, एक ही हाइड्रोजन एटम, गलत, कितने, दो हाइड्रोजन एटम, हर कार्बन एटम के पास दो हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि
कहाँ बताओ, चलो इधर का स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ये तो कंप्लीट हो चुका है ना, तो देखते हैं इसके एग्जांपल। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम देख रहे हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया गया, ये एक मेरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। क्या गाइस? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सर हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो, ये डब्बा बना दिया। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ ये भी एक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। मैं ये बोल रहा हूँ ये भी एक मेरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये सब मेरे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। ओके गाइस, सर आप मजाक कर रहे हो, कहीं स्क्वायर बना रहे हो, कहीं रेक्टेंगल बना रहे हो, कहीं ये पेंटागोनल शेप बना रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब जहां पे कार्बन हाइड्रोजन होता है। गाइस ये भी हाइड्रोकार्बन से है, बस इतना ध्यान रखना है कि हर वर्टेक्स पे एक कार्बन एटम होता है। एक वर्टेक्स पे क्या होता है गाइस? एक हाइड्रोजन कार्बन एटम। ओके, तो चलिए ये एक वर्टेक्स है तो यहाँ पे कार्बन लगा दीजिए। ओके, ये वर्टेक्स है तो यहाँ पे कार्बन लगा दीजिए, ये वर्टेक्स है तो यहाँ पे कार्बन लगा दीजिए। ओके गाइस, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है? ओके चलो, अब देखिए यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी देखिए, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती है चार, एक दो, दो ही बॉन्ड, इसका मतलब इसको दो वैलेंस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन की वैलेंसी देखिए, एक दो, दो ही बॉन्ड बना है, इसका दो वैलेंसी बाकी है, तो इसका भी एक हाइड्रोजन लगेगा, इसके भी एक हाइड्रोजन लगेगा। ओके, यहाँ पे देखिए एक दो, दो ही बॉन्ड बना है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो देख सकते गाइस कि ये इसने क्या बनाया गाइस? क्लोज चेन बनाया। क्या बनाया? क्लोज चेन बनाया। और हर कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन एटम कंटेन कर रहा है गाइस? दो हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है। ओके, इसका नाम होता है गाइस, इसका नाम होता है, दैट इज व्हाट, इसका नाम क्या होता है गाइस? इट्स नेम इज, चलो नाम मैं क्यों बताऊं आप लोगों को, नाम बताऊंगा तो फिर मजा क्या रहेगा, क्योंकि ये चीज तो हम लोगों को आगे बताना भी है और पढ़ना भी है। चलो पहले एक काम करते हैं, इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे ये है, इस स्ट्रक्चर को पहले समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट पे क्या है मेरे पास? यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन है। हाँ ना? अब बैलेंस देखिए, एक दो तीन चार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसा हो रहा हूं। यहाँ पे देखिए हर वर्टेक्स पे कार्बन होता है, हर वर्टेक्स पे कार्बन होता है। ओके, बट ये एलिसाइक्लिक की वजह से, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन है कि हर ये क्लोज चेन बनाता है और हर कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन एटम मेंटेन करता है? दो हाइड्रोजन एटम, चेक कर सकते हो। हाँ ना गाइस, तो दिस आर योर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दिस आर योर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि मैं किसी का भी नाम नहीं बता रहा, ये आप लोगों को पढ़ाना है ना मुझे, ये आप लोगों को पढ़ाना है, ये कौन है, क्या है, किस तरह से, कोई लेन देन नहीं, बस हमें इतना समझना है कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं। क्योंकि इनके बारे में, इनके नाम कैसे जानना है, किस तरह से इनका नॉमिनेचर होता है, ये सब हम लोगों को आगे में पढ़ना है। अभी मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूंगा तो सस्पेंस क्या रहने वाला है, ऐसा होना। तो नाम इनके हम लोग बात नहीं की, बस हमें समझना है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। एलिफेटिक जहाँ पे ओपन चेन होता है, एरोमेटिक जहाँ पे क्लोज चेन होता है लेकिन हर कार्बन एटम एक का हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है, और दूसरे बात एलिसाइक्लिक जहाँ पे क्लोज चेन होता है लेकिन हर कार्बन एटम दो हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है गाइस। तो ये था हमारा दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लेकिन ये आधा है गाइस। ओके, इसके बाद जो हमारा इसका क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग पढ़ाएंगे आगे। ट्री डायग्राम बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा ट्री डायग्राम है, इसको हम लोगों को पूरा डिस्क्राइब करना है गाइस, बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना है। मैं फिर से एक बार बोलूंगा गाइस कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग क्या ध्यान में रखना है कि आप लोगों को जगह छोड़ते जाना है, और एक ट्री बनाए लेकिन बहुत बड़ा ट्री बनाइए। ओके, ट्री मुझे लगता है कि आप लोगों को ना, जैसे आप लोगों का A4 साइज का पेज होगा ना, उसको आड़े में बनाइए गाइस, क्योंकि हम लोगों को नीचे में वो बढ़ते जाएगा। ट्री बहुत बड़ा है गाइस, आज हम लोगों ने सिर्फ इसका 50% नहीं, सिर्फ इसका 25% देखिए। क्या देखिए? क्लासिफिकेशन में 25% देखिए, दैट इज व्हाट। हाइड्रोकार्बन तीन टाइप के होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। ओके, उसके बाद हमारे सिलेबस में एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, सामने में सब कुछ आने वाला है, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले, दैट इज व्हाट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये मजा आप लोगों को बरकरार रखने के लिए मेरे साथ जुड़ना है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद इससे भी ज्यादा डिटेल में हम लोग अंदर घुसने वाले। मैं जानबूझ के इनकी एग्जांपल्स के नाम नहीं बता रहा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर अगर अभी मैंने खोल दिया ना, पूरा इसका पोल खोल दिया ना गाइस, तो फिर सामने में मजा नहीं आएगा। ओके, फिर भी अगर जानना होगा तो इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या कहते हैं गाइस? साइक्लोप्रोपेन। चलो यार बता देता हूं, नहीं तो आप नाराज हो जाओगे। इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन,
इसको कहते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। पांच कार्बन आइटम पेंटेन, चार कार्बन आइटम ब्यूटेन, तीन कार्बन आइटम प्रोपेन। ये नॉमेनक्लेचर कैसे बने हैं ये आप लोगों को नहीं समझेगा, इसी वजह से मैं नहीं बता रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग नाराज हो जाओगे, इस वजह से इनके नॉमेनक्लेचर बताया गया। नॉमेनक्लेचर हमें बाद में पढ़ना है, बहुत मजा आने वाला है, ये सब चीजें पढ़ने में मिलने वाली है, लेकिन ये मजा तभी आएगा जब मेरे साथ आप लोग पहले वीडियो से, आज से पहले वीडियो से आखिरी वीडियो तक के गाइस जुड़े रहोगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।